सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को कुछ मिस्टेक्स बताने वाला हूँ कि जो अक्सर लोग करते हैं जब वो पैन कार्ड बनवा रहे होते हैं या फिर पैन कार्ड में करेक्शन कर रहे होते हैं NSDL की वेबसाइट के थ्रू। तो आज जो मैं करेक्शन बताऊँगा, ये जो NSDL के थ्रू पैन कार्ड बनता है या पैन कार्ड में करेक्शन होता है, उसमें जो लोग मिस्टेक कर रहे हैं वो बताऊँगा। UTI वाली मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा उस वेबसाइट के थ्रू क्या क्या इशूज़ आते हैं, बट आज मैं सिर्फ NSDL की वेबसाइट के थ्रू के जो इशू होते हैं वो बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोग भी NSDL में आप लोग पैन कार्ड करेक्शन कराने हैं या पैन कार्ड बनाने की सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को फ्रेंड्स पूरा देखना एंड तक, क्योंकि यहाँ आज मैं आप लोग को 3 मिस्टेक्स बताने वाला हूँ कि जो अक्सर लोग करते हैं और वो आप लोगों को नहीं करनी है अगर आप लोग पैन कार्ड बनवा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले, अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो और एजुकेशनल कंटेंट देखने में इंटरेस्टेड हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ साथ दबा देना बेल आइकन को, ताकि जब भी मैं एक नई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक आ जाए और वीडियो आप लोग देख सकें। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जो मैं मिस्टेक्स बता रहा हूँ ये 2-3 तरह के प्रोसेस में अप्लीकेबल होता है। जैसे कि जब आप एक पैन कार्ड, फ्रेश पैन कार्ड बना रहे होते हैं NSDL से, या फिर आप पैन कार्ड में करेक्शन करवा रहे होते हो, या फिर आप लोग माइनर पैन कार्ड बनवा रहे होते हो, या फिर माइनर टू मेजर जो पैन कार्ड को कन्वर्ट कर रहे होते हो, तो ये चारों ही प्रोसेस में जो मैं आज बता रहा हूँ वो चारों ही प्रोसेस में अप्लीकेबल होती हैं गलतियाँ। तो जो पहली मिस्टेक जो लोग कर रहे हैं फ्रेंड, वो लोग जब आप लोग एक फॉर्म भरते हो, स्टार्टिंग जब आप फॉर्म भरते हो NSDL में, तो वहाँ आप लोग का एक टोकन नंबर जनरेट होता है। लोग उस टोकन नंबर को सेव नहीं करते हैं। लोग क्या करते हैं, जो टोकन नंबर आता है उसको बिना सेव किए एप्लीकेशन को आगे प्रोसेस कर देते हैं। बट इन केस जब आप लोग उस फॉर्म को आगे प्रोसेस करते हो और वो फॉर्म जब बहुत बार लोगों का पेमेंट के टाइम पे या बीच में इंटरनेट कनेक्शन चले जाने की उससे एक्सपायर हो जाता है, या फिर वो हट जाता है, ठीक है, बंद हो जाता है, तो वहाँ पे उसको दोबारा उस पेज पे आने के लिए आप लोग का टोकन नंबर होना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान रखना है कि जब भी आप एक एप्लीकेशन फॉर्म को प्रोसेस कर रहे हो तो स्टार्टिंग में टोकन नंबर आता है, वो टोकन नंबर को आप लोग को सेव करके रखना है इन फ्यूचर के लिए। बहुत बार ये एप्लीकेशन जब आप लोगों की प्रोसेस नहीं होगी तो उस टोकन नंबर को डालने के बाद ही आप लोगों की जो फील्ड एप्लीकेशन जो होती है वो आ सकेगी। तो ध्यान रखना है, जो पहली आप लोग मिस्टेक कर रहे हैं वो टोकन नंबर से रिलेटेड, टोकन नंबर को सेव करके रखना है। एंड सेकंड मिस्टेक, लोग क्या करते हैं कि जब भी फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे जो स्टार साइन होता है सिर्फ वही डिटेल फिल करते हैं, बाकी डिटेल फिल नहीं करते हैं। अब बाकी डिटेल में फ्रेंड्स, आप लोगों का जो फ़ोन नंबर और जो मेल आईडी होता है वो लोग मिस कर देते हैं, या फिर गलत डाल देते हैं, या फिर डालते ही नहीं है। तो वहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है, फ़ोन नंबर और मेल आईडी आप लोगों को ज़रूर डालनी है। इनकेस अगर आप लोगों की अपडेटेड है, मतलब आप लोगों की अगर पहले आप लोगों ने फ़ोन नंबर या मेल आईडी आप लोगों की अपडेट है, तो वही फिर से डालनी है आप लोग। ऐसा नहीं कि आप लोग को छोड़ देनी है, या फिर अगर आप लोगों की पहले कोई ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर डाला हुआ है और अगर आप लोग अभी करंट में कोई चेंज करना चाह रहे हैं तो उसको आप अपडेट करके जो नई आपके फ़ोन नंबर और मेल आईडी है वो डाल सकते हैं। उससे क्या, आप लोगों की फ़ोन और मेल आईडी अपडेट भी हो जाएगा और उस एप्लीकेशन से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आएंगे आप लोगों के उसी फ़ोन नंबर और मेल पे आते हैं। जब आप पैन कार्ड आप लोग का जो मेल पे आता है तो उसी मेल पे आएगा और फिजिकल आप लोगों के घर पे आएगा। तो ध्यान रखना है कि आप लोग को फ़ोन नंबर और मेल आईडी याद से डालना है, उसको मिस नहीं करना है। फ्रेंड, तीसरी मिस्टेक जो करते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है कि पैन कार्ड 3 प्रोसेस से बना जाता है, EKYC, E-साइन और फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिशन। तीनों ही प्रोसेस में लोग गलती क्या कर रहे हैं, EKYC में ध्यान रखना है आप लोगों को। EKYC तभी आप लोगों को फॉलो करना है जब आप लोगों का आधार कार्ड में सारी डिटेल्स सही फिल है। इनकेस अगर कोई भी गलत है तो उसको आप लोगों को प्रोसेस नहीं करना है, क्योंकि वो आधार कार्ड से जो जो आपकी डिटेल फैच करेगा, जो जो आप लोग उसमें ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करोगे, वो सारी डिटेल फैच कर लेगा। आपकी फ़ोटो, फादर्स नेम, साइन, वो सारी डिटेल EKYC के थ्रू आप लोग आधार कार्ड से फैच करता है। ध्यान रखना है, EKYC तभी प्रोसेस करना है आप लोगों को जब आपके आधार कार्ड में डिटेल सारी सही रहे। वही सेम मिस्टेक आप लोग E-साइन में करते हैं। E-साइन में क्या करते हैं कि जो भी फ़ोटोज़ वगैरह या साइन वगैरह आप लोगों के जिस पिक्सल साइज या जिसमें डायमेंशन में मांगे जाते हैं वो अपडेट नहीं करते हैं, उसमें आप लोग गलत अपडेट कर देते हैं। बट जब आप लोग फॉर्म सबमिट करने जा रहे होते हैं वहाँ पे आप लोगों का एरर शो करता है, या फिर आप लोगों का सेशन एक्सपायर हो जाता है, आप लोगों के पैसे कट जाते हैं और वहाँ पे आप लोगों के फिर कमेंट्स आते हैं कि सर हम लोगों के पैसे कट गए, हम लोगों के पैसे रिवाइज कैसे आएंगे। तो ध्यान रखना है, जो जो इंस्ट्रक्शन वहाँ दी होती है, इंस्ट्रक्शन आप लोगों को पढ़नी है। और वहाँ पे ऐसा नहीं है कि बिना इंस्ट्रक्शन पढ़े आप लोगों को प्रोसेस करना है। इंस्ट्रक्शन पढ़ो, जो जो वहाँ इंस्ट्रक्शन में बताया गया आप लोगों को वो इंस्ट्रक्शन में फॉलो करो और उसी हिसाब से अपने साइन, फोटोज़, डॉक्यूमेंट्स उसी पिक्सल साइज, उसी लेंथ विड्थ में आप लोगों को अपलोड करने हैं। लास्ट गलती जो फ्रेंड्स लोग कर रहे हैं, जो जो आप लोग करेक्शन करवाना चाहते हैं या फिर जो जो आप लोग अपडेट कराना चाह रहे हैं, करेक्शन फॉर्म की बात कर रहा हूँ मैं,
यहाँ पे नए पैन कार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, जो जो फ्रेंड्स करेक्शन कराते हैं पैन कार्ड में, तो वहाँ पे आप लोगों को ऑप्शंस जो लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे, आप लोगों को टिक बॉक्स दिखते हैं कि किस टिक बॉक्स को टिक करना है, किसको नहीं करना है। तो जो जो आप लोग को करेक्शन कराना है, सिर्फ करेक्शन वालों को ही आप लोग को क्लिक करना है, आप लोग को फॉर्म पूरा भरना है, सारी डिटेल भरनी है आप लोगों को, बट जो जो चीज़ें आप लोग को अपडेट करानी है उन्हीं को आप लोग को टिक बॉक्स के अंदर टिक करना होता है और बाकी को छोड़ देना होता है। क्योंकि लोगों को क्या है कि सब सारे टिक कर देते हैं और जो इन्फॉर्मेशन सही भी होती है उसमें क्या है फिर वो जल्दीबाजी में कुछ गलत डाल देते हैं और जो अपडेट पैन कार्ड आता है वो उनका गलत आ जाता है, या फिर उनको डिस्क्रिपेंसी के बहुत सारे फॉर्म इशू होते हैं, मेल पे आते हैं फॉर्म आ रहे हैं, उनका पैन कार्ड घर पे नहीं आता है। तो ये ध्यान रखना है कि आप लोगों को जो जो चीज़ें अपडेट करानी है सिर्फ उसी पर टिक करना है, बाकी किसी भी टिक बॉक्स में टिक नहीं करना है। तो फ्रेंड ये कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, अगर आप लोग ये चीज़ें करवा रहे हो तो इन चार पांच चीज़ों का ध्यान रखना है, पैन कार्ड अपडेट कराते टाइम, नया पैन कार्ड बनाते टाइम, या फिर माइनर टू मेजर करवा रहे हो या माइनर पैन कार्ड अप्लाई करा रहे हो, या फिर अगर आप लोगों ने अब तक इनकी करेक्शन वाली वीडियो मैंने सबकी बना रखी है, अगर वो नहीं देखी है उन सारों का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो वीडियो जाइए देखिए, और अगर आप लोग करेक्शन या अपडेट कराना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं। तो फ्रेंड जहाँ तक वीडियो देखा है तो आई होप आई वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड वीडियो को अपने दोस्तों का शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों अगर आप लोगों का कोई भी सजेशन है मेरे लिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, और या इस वीडियो से रिलेटेड आप लोगों का कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप वो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, टेक केयर।